हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल परी ए टू जेड। देखो, ये साल की पहली बारिश, मेरी खिड़की से नज़ारा, मेरे घर की खिड़की से नज़ारा कितना प्यारा है। ये बारिश का नज़ारा है, मुझे बारिश बहुत पसंद है। लेकिन क्या है कि फिर फुटपाथों में जो सोते हैं उनका सोच के फिर दिल उदास होता है कि उनको बारिश में कितनी तकलीफ़ होती होंगी। और जिसके घर भी एकदम ज़मीन के, मतलब जैसे जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं बेचारे, उनके लिए बारिश किसी आफत से कम नहीं होती है। लेकिन क्या करें, बारिश भी बहुत ज़रूरी है, खुदा की एक रहमत है, ये ऊपर वाले की एक रहमत है बारिश भी, और बरकत भी है। बरकत वो ऐसे कि जैसे कि अगर हम कुछ अनाज उगाते, लोग किसान लोग बारिश का इंतज़ार करते, कुछ फसलें ऐसी है कि जो बारिश में ही उगती है और पानी स्टोर करके रखते हैं पीने का, हर जगह हर सिटी में। इसके लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में तो बोलते थे अगर जहाँ बारिश नहीं होती है तो वहाँ कुछ गुनाह हुआ होगा, जो बारिश नहीं हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो बारिश हो रही थी वो अभी बंद हो गई है, जो मैंने आपको अपनी मेरी घर की खिड़की से बताई बताई तो वो अभी बंद हो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा कुछ काम था बाहर, तो फिर मैं बोली कि चलो वो अभी काम करके आ जाती हूँ, मैं अभी फ्री भी हूँ मैं ज़रा, तो वही अभी मैं जा रही थी बाहर, तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं कुछ बाहर का बता दूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और स्किप ना करिए। तो चलिए चलिए अभी बाहर निकलते हैं, दरवाज़ा खोलती हूँ मैं आपको, और बाहर का भी आपके साथ शेयर करती हूँ। नहीं तो आप सोचते होंगे कि मैं उतना ही किचन 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 बता रही, नहीं ऐसा कोई नहीं है। आगे मेरे बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, आप देखेंगे, कभी किचन के रिलेटेड, कभी बाहर, मतलब पूरा ए टू जेड, अलग अलग रेसिपी, इंडियन, कभी आउट ऑफ कंट्री के, कभी गांव के, एकदम देसी। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना आगे भी, मतलब आगे ब्लॉगों में भी। तो चलिए अभी हम बाहर निकलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। और चाबी ले लिए है हमने, चलिए। अभी मैं नीचे आई हूँ, जा रही हूँ कुछ काम से, तो वही मैं बोली अभी देखती हूँ कि कैसा। देखिए पूरा धूप निकल आई है, मैं सोची थोड़ी बारिश होएंगी तो मैं ज़रा बारिश में भीगूंगी, क्योंकि पहली तो एक सुबह हो गई है बारिश, तो मैं सोची कि अभी दूसरी बारिश में भीगना अच्छा है, क्योंकि जिस्म का जो भी रहता है, खुजाना या कुछ भी बीमारी, तो सब निकल जाती है, तो इसके लिए बारिश में भीगना अच्छा है सेकंड। लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है, धूप निकल आई एकदम। अभी मैं जा रही हूँ मेरे काम से, वैसे तो मैं ज़्यादा निकलती नहीं हूँ घर से, मतलब निकलती हूँ लेकिन घर में भी काम रहता है, कुछ ज़रूरी हो कुछ हो तो फिर मैं निकलती हूँ घर से। चलो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो, पता नहीं कुछ आगे जाके कुछ दे, मतलब अनोखा या कुछ देखने मिल जाए या कुछ ऐसी, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। चलिए देखिए ये नज़ारा जो हम बचपन में देखते थे, मैं यहाँ नीचे आई तो यहाँ पे ये यह हो रहा था, तो मैं सोचा कि आपको भी बता दूँ। ये कितनी छोटी लड़की है,
ऊपर चढ़ी है। आप देखो ये देखिए कितनी छोटी लड़की, हम ये सब बचपन बहुत छोटे थे बचपन में देखते थे, आज हम देख रहे हैं नज़ारा। आप देखो बेचारे गरीब लोगों को, इतनी छोटी लड़की है ये। अभी मैं जहाँ गई थी तो वहाँ से मेरा काम हो गया, तो फिर मैं अभी वापस अपने घर जा रही हूँ, तो मैं बोली आपसे कनेक्ट हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ मेन रोड पे बहुत आवाज़ें थी, इतनी आवाज़ें थी कि मैं आपसे बातचीत कर दी नहीं के लिए मुझे ज़रा ये हो जाता कि आपको आवाज़ बराबर मेरी सुनाई देती या नहीं, तो इसके लिए मैंने अंदर की तरफ हुई तो फिर मैं आपसे कनेक्ट हुई। वही मैं उधर गई थी तो मैंने देखा उधर एक अजीब और गरीब कि एक 6 साल की लड़की, जो 6-7 साल की होंगी, उसके माँ बाप यंग, और वो उन लोग वो बच्ची से एक इतना खतरनाक स्टंट करा रहे और खुद बैठे हुए देखते हुए पैसा कलेक्ट कर रहे। तो मैं देख के एकदम ये हो गई कि हेल्दी भी, हाथ पैर भी सलामत है, सब है, और जवान भी है, यंग भी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। रस्सी पे चल रही है बेचारी, इतना खतरनाक स्टंट कर रही है। तो मैंने उनसे पूछा, पहले तो मैं उनको अपने ब्लॉग में लेना चाहती थी वीडियो में, तो वो नहीं बोले, बोले नहीं हमको नहीं आना है। तो बोले ठीक है उनकी मर्ज़ी नहीं है तो फिर मैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ ना। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप इतनी छोटी बच्ची के साथ, छोटी लड़की के साथ इतना ख़तरनाक स्टंट करा रहे, आप क्यों कुछ काम नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि हमको कोई काम नहीं देता है, ये नहीं वो नहीं, ऐसे सब बोलने लगे। तो मैं बोली क्यों नहीं काम देते, आप कोशिश करो ना, आप मैं कुछ भी काम करो। तो बोले नहीं हमको नहीं, बोले देंगे आप करो, लेकिन आप अपनी इतनी छोटी सी बच्ची से इस तरह का काम करते और उसकी कमाई खा रहे, ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई उनको समझा के करके। अब वो मेरी बात माने तो ठीक है, नहीं तो अब क्या कर सकते। अगर आपको ये सही है कि गलत जो ये इस तरह से वो माँ बाप कर रहे, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मेरी वीडियो को, मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और हमेशा मेरे साथ कनेक्ट रहिए। अभी मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।